Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK. Guidance and knowledge. Happy morning to all of you. आज हम बात करने वाले हैं भारत और जापान के बीच में जो भी relations हैं, ties हैं, उन सब के बारे में. आज का हमारा question है, India और जापान के strong relations important हैं India Indo-Pacific region के लिए. हमें इसके बारे में discuss करना है. हमारा introduction क्या होगा? इंडिया और जापान ने उनके दोनों की ही बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं 1952 से. इस टाइम पे इनके बीच में पीस ट्रीटी साइन हुई थी. इन टर्म्स ऑफ कल्चर, कल्चर के टर्म्स में जैसे वहाँ पे भी और इंडिया में सेम एथनिसिटी के लोग हैं, बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म मेनली इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है. देन सोशल दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं और इकोनॉमिक वो भी काफ़ी अच्छी रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं और दोनों ही से फेस कर रहे हैं चाइना के रूप में. और दोनों ही सेलिब्रेट करेंगे इसकी 70th एनिवर्सरी 2022 के अंदर. और दोनों का विज़न क्या है, 2025 में स्पेशल स्ट्रेटजिक बनाई जा रही है ग्लोबल पार्टनरशिप को लेकर. साथ में काम करेंगे पीस और प्रॉस्पेरिटी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और दुनिया के अंदर. और इनकी जॉइंट स्टेटमेंट भी है जो सर्व करती है इस गाइड को कि इन दोनों का नया इरा है जापान और इंडिया के रिलेशंस का. और दोनों ही मेंबर है क्वाड के और फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक चाहते हैं और एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी. दोनों के बायलेटरल रिलेशंस के बारे में जान लेते हैं. सिक्योरिटी की फील्ड में क्या क्या रिलेशन के, इन दोनों के अंदर काफ़ी सारे फ्रेमवर्क होते हैं जो डिफेंस डायलॉग के होते हैं, जैसे कि 2+2 मीटिंग होती है, एनुअल डिफेंस होता है जिसके बीच में मिनिस्ट्रल डायलॉग्स होते हैं, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में बात करती हैं. देन कोस्ट गार्ड से कोस्ट गार्ड बात करते हैं. और इनके बीच में एक ACSA करके एक एग्रीमेंट है, यह है इसे बोला जाता है कमेंसमेंट ऑफ नेगोशिएशंस ऑफ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट. फिर क्या है इकोनॉमिक रिलेशंस, क्या क्या है. इंडिया जापान का 21st लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और जापान इंडिया का 12th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. और इंडिया के अंदर जापान के अंदर से 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स निकल कर आते हैं, मतलब कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर आते हैं जो इन्वेस्टर्स वो जापान से होते हैं. और दोनों ही ने ही स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है $75 बिलियन का, ताकि वो लॉन्च कर सकें जापान इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप को और कॉपरेट कर सकें और इनिशिएटिव्स ले सकें इस मामले में. और इकोनॉमिक असिस्टेंस भी दी जाती है, लोन काफ़ी सारे मिले हैं पास्ट डिकेड में हम जानते हैं, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो रिसेंटली हुआ है इन सब के बारे में. और डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया में भी एक साथ काम कर रहे हैं. मोस्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं ये जापानीज कॉपरेशन का यूटिलाइज करने के लिए. ODA क्या होता है, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस होती है. जापान कंटिन्यू कर रहा है कॉपरेशन किस में, स्ट्रेटजिक कनेक्टिविटी के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया दोनों को ही कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है. एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ में पार्टनरशिप हो रही है दोनों के बीच में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिसे शिनकानसेन सिस्टम कहा जाता है. कल्चरल रिलेशंस भी हैं जैसे हमने जाना पहले कि बुद्धिज्म है, लेकिन अलग भी हुए हैं कि कुछ. 2012 में 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस्टेब्लिशमेंट के. 2017 को जापान और इंडिया के फ्रेंडली एक्सचेंजेस को दिखाने के लिए सेलिब्रेट किया गया है. वेरियस कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं दोनों के बीच में प्रमोट करने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में. और एक थीम भी दी गई है, रिसर्जेंट जापान और वाइब्रेंट इंडिया, न्यू प्रोस्पेक्टिव और नए एक्सचेंजेस. फिर टेक्नोलॉजिकल फील्ड में क्या किया जा रहा है, दोनों ही कंट्रीज एक साथ काम कर रही हैं टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जैसे 5G है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. और स्पेस में भी हम लूनर मिशन भेजने वाले हैं 2024 के अंदर, जिसे लूपेक्स कहा जाएगा. साइबर सिक्योरिटी में भी हम साथ में काम कर रहे हैं. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करवाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भी जापान हाथ पार्टिसिपेट कर रहा है. और राजस्थान में रूरल में राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में वाटर सप्लाई को लेकर और फ्लरिश मिटिगेशन को लेकर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं. स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स भी बनाए जा रहे हैं. SCRI सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव भी लिया जा रहा है इंडिया और जापान के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंदर साथ में है, ताकि हम इंडो पैसिफिक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो इंडिया के, उनको डेवलप कर पाएँ. मिलिट्री फील्ड के अंदर क्या है, उनके बीच में काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि जिनमैक्स है, सिन्हू है, धर्मगार्जिन है, पासिक्स है, और ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं मालाबार एक्सरसाइज के अंदर US के साथ में भी. इन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज भी हैं इंडिया और जापान के बीच में, जैसे कि RCEP को लेकर है. ये जापान चाहता है ज़्यादा एक्सेस इंडिया के मार्केट के, इसलिए वो RCEP के अंदर इंडिया को लेकर आना चाहता है, ताकि और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके जापान का.
इन्फ्लुएंस इंडियन मार्केट में, लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो इसको अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो कि एक निराशाजनक बात है जापान के लिए। इसकी काफ़ी बार आलोचना भी करता है। जापान सबमरीन्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी ना तो वो हमें बेचता है, ना उनकी टेक्नोलॉजी हमें देता है, और ना ही दोनों एक साथ मिलकर इसे बनाए इस बात के ऊपर एग्री करता है। ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात है। और इसके साथ क्या है, दोनों ही फेस कर रहे हैं चाइना को, वो उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर, मतलब कि वो विस्तारीकरण वाली पॉलिसी है, मतलब जितना भी हो सके वो ग्रैब करने की कोशिश करता है, दूसरे की लैंड को कब्जा करने की कोशिश करता है। साउथ कहाँ कहाँ पे, जैसे कि साउथ चाइना सी के अंदर है, इंडियन ओशन के अंदर है, और भी काफ़ी सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं काफ़ी सारे देशों के साथ में, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मेनली फॉर इंडिया। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, हम क्या क्या कर सकते हैं, दोनों को ही एक साथ कॉपरेट करना होगा। किस फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में और टेली कम्युनिकेशन के अंदर, दोनों को ही एक साथ काम करना होगा ताकि इंडो पैसिफिक रीजन का डेवलपमेंट कर सकें और म्यूचुअल बेनिफिट हो सके दोनों को ही। जापान हमारे लिए एक रास्ता हो सकता है परमानेंट मेंबरशिप मिलने का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। डिफेंस के प्लेटफॉर्म के अंदर हम क्या करना होगा, जापान को अप्रोच करना होगा कि वो हमें प्रोवाइड करें अपनी असिस्टेंस ताकि हम वॉरशिप, वेपन और सबमरीन बना सकें। पेंडेमिक को भी टैकल करने में दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमारा कंक्लूजन क्या होगा, इंडिया जापान दोनों के ही अच्छे रिलेशन, इंडिया और जापान दोनों के ही अच्छे रिलेशन हैं। हमें और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है इनको, ताकि हम चाइना को टैकल कर सकें और इस्टेब्लिश कर सकें पीस किस में, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और दोनों को ही कोऑपरेट करना होगा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के अंदर, जैसे कि डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमी है, ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो सके और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हो सके, दोनों का ही फायदा हो सके, मेनली बात यही है। और भी कुछ ट्रीटीज़ हैं जो इंडिया और जापान के बीच में साइन हुई हैं, ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। ट्रीटी है जो पीस की है वो 1952 की है। एयर सर्विस को लेकर 1956 में एग्रीमेंट हुआ था। कल्चरल एग्रीमेंट 1957 में हुआ था। कॉमर्स को लेकर 1958 में एग्रीमेंट हुआ था। जो डबल टैक्सेशन होता है उसे रिमूव करने के लिए 1960 में एग्रीमेंट किया गया था। फिर क्या हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ये 1985 में हुआ था। जापान इंडिया की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, जापान और इंडिया के बीच में CEP है पहले ही 2011 का। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कंसर्निंग ट्रांसफ़र का डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी के मामले में 2015 के अंदर। फिर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन है उसको, ये एग्रीमेंट हुआ था 2015 में। फिर दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था सोशल सिक्योरिटी को लेकर 2016 में। फिर हुआ था दोनों ही के बीच में पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी 2017 में हुआ था ये। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। और आपको ये वीडियो कैसे लगी आप ये भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।